बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ हिमालय की बेटियाँ पार्ट 3 का, जिसके कुछ हिस्से को मैंने आपको पढ़ा दिया है। कैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिल्कुल पतली, चंचल, श्वेत, स्वच्छ होती हैं, और कैसे धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में आते आते उनका जो बहाव है वो धीमा पड़ जाता है और विस्तार बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नदियों की तुलना बेटियों से की गई है। तो बचपन में पिता के गोद में खेलने वाली, बिल्कुल चंचल दिखने वाली नन्ही नन्ही दुबली पतली सी जो लड़कियाँ होती हैं, कैसे युवावस्था के आते आते बिल्कुल उनमें गंभीरता आ जाती है, शांत हो जाती हैं। ठीक वही स्वरूप आंका गया है नदियों का, कि नदियां जब पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं तो बहुत चंचल, बहुत तीव्र, बहुत वेग होता है, और जैसे जैसे वे नीचे के स्थानों मैदानी क्षेत्रों में आती हैं उनका विस्तार बढ़ता जाता है और बहाव में बिल्कुल स्थिरता आ जाती है, वे थम जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जब वे निकलती हैं और खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चिनार, चीड़, सरो, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हीं बीती यादें, बीती बातों को याद करने का इन्हें मौका मिल जाता है। तो वहां पहुंचते पहुंचते ये स्थिर हो जाती हैं। कौन जाने कि बुझ हिमालय अपनी नटखट छोकरियों के लिए कितना सर धुनता होगा। कहने का मतलब है कि एक पिता अपनी पुत्रियों के लिए कैसे सर धुन करके परेशान रहता है कि किसी योग्य के हाथ उसे सौंप दिया जाए। उसी तरह हिमालय से निकलने वाली ये नदियाँ कैसे समुद्र तक पहुँचेंगी, इसमें पिता के स्वरूप का स्थान दिखाते हुए ये माना गया है कि पिता हिमालय जो है कैसे सिर धुनता होगा, कैसे परेशान रहता होगा अपनी नटखट बेटियों के लिए जो उनकी गोद से खेलती कूदती बड़ी होती हुई मैदानी क्षेत्रों में आकर विस्तृत हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा कुछ पास और रखा ही क्या है। कहने का मतलब, जब ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय का इन्हें पता नहीं होता कि इनका आगे आने पर क्या स्वरूप होगा, कैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी, क्या स्वरूप होगा। ये सोचकर वे एकदम चुप मौन दिखाई पड़ता है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब इन्होंने कहा कि बड़े बड़े नदों को, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसे महानदों को सुनने के बाद तमाम छोटी बड़ी नदियों के नाम उन्हें याद आने लगते हैं कि हिमालय की ये छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने उनके घूमने लगती हैं, उनका स्वरूप दिखाई देने लगता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होते रही हैं। अब इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये महानद ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है हिमालय के हृदय की पिघली हुई जो स्वरूप है, पिघला हुआ जो उसका स्वरूप है, दिल की एक एक बूंद है, वो सब इकट्ठा होके महानद के रूप में एकत्रित हो गई है और छोटी छोटी नदियों को अपने में समाहित करती हुई बढ़ती जा रही है।
कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र। अब उन्होंने कहा कि ये दो ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसे महानदों को जिस समुद्र में जाकर ये मिलती हैं, जिन समुद्र में जाकर ये समा जाती हैं, वो माना कि हिमालय की दो महान पुत्रियों को अपने में समाहित करने का सौभाग्य जिस समुद्र को मिला है, जिसे दामाद के रूप में देखा गया है, उसका वर्णन करते हुए कहा कि वो भी धन्य हो जाता है कि हिमालय की हृदय की से जुड़ी हुई ये पुत्रियाँ उनमें समाहित हो रही हैं। तो इनका हाथ पकड़ने का अगर सौभाग्य और श्रेय उसे मिला है तो उसको भी सौभाग्यशाली माना गया है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अब जब मैदानी इलाकों में आकर नदियों के स्वरूप को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये वो नदियां हैं ही नहीं जो पहाड़ी क्षेत्रों से जब निकलती हैं तो उनके वेग को, अपार वेग को रोकना मुश्किल हो जाता है। वे बिल्कुल दुबली पतली होती हैं, वे एकदम जल से भरी स्वच्छ चंचल कलकल करती तीव्रता के साथ निरंतर चीजों को ढकेलती, पहाड़ों को, चट्टानों को और जंगलों को पार करती हुई खेलती कूदती आगे बढ़ने लगती हैं। तो कल्पना की चीज हो जाती है कि बूढ़े हिमालय के गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती होंगी। ठीक वैसे ही खेला करती होंगी जैसे एक बच्ची अपने पिता की गोद में खेलती है। वही स्वरूप यहाँ पर लेखक ने देखा है कि वो कितनी सौंदर्य से भरी हुई, चंचल, खिलखिलाती, कलकल करती हुई, अपार वेग और स्वच्छ मन की, बाल मन की, स्वच्छ बाल मन का जो स्वरूप होता है वही बिल्कुल यहाँ पर भी देखने को मिलता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो लेकिन मुझे तो बहुत लुभावना प्रतीत हुआ। अब लेखक ने ये कहा कि अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर ये नदियाँ पहाड़ी लोगों के लिए भले ही आकर्षण का केंद्र न हो लेकिन क्योंकि रोजाना उसी स्थान पर रहते हुए ये उनके सौंदर्य को देख देख कर देखना छोड़ देते हैं, लेकिन हम मैदानी क्षेत्रों से जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं जब कभी पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो इनका अपार सौंदर्य हम निहारते नहीं थकते। हमें लगता है कि हमने मैदानी क्षेत्रों में ये सौंदर्य कभी नहीं देखा। हमें ये लगता है कि इनका ये अपार सौंदर्य कैसे हिमालय की गोद में समाया पड़ा है, जो कितना लुभावना है, जिसे देखने के लिए हम सब व्याकुल हो जाते हैं। तो लेखक ने कहा कि यहाँ के रहने वालों के लिए ये भले बहुत सौंदर्य से ना भरा हो लेकिन अगर ये देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों से आने वाले सभी लोगों के लिए ये अपार सौंदर्य का स्वरूप होता है, अपार सौंदर्य का स्वरूप दिखाई पड़ता है, जिसका वर्णन लेखक कहता है कि ये मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। तो लेखक को भी ये लगता है कि वो स्वरूप वास्तव में पहाड़ी क्षेत्रों का ये स्वरूप किसी को लुभाए या ना लुभाए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र ना भी हो क्योंकि वो रोजाना उसी चीज को देखते हैं लेकिन हम मैदानी क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए ये स्वरूप अपार सौंदर्य से भरा होता है क्योंकि हमने बहुत कम समय के लिए ऐसी चीजों को देखा है। तो हम चाहते हैं कि वो सौंदर्य, वो पहाड़ी सौंदर्य, वो चंचलता, वो स्वच्छता हम अपनी आंखों में समा लें। तो हमें जितना लुभावना लगता है ठीक वैसे ही लेखक को भी वो सौंदर्य अत्यधिक लुभावना प्रतीत होता है। वह रूप की हिमालय को ससुर
और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब लेखक ने साफ साफ ये कहा है कि उसकी हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियां जो हैं वो हिमालय की बेटियां हैं, और जैसे जैसे ये नदियां जो हैं आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं, इनका स्वरूप विशाल होता जाता है, इनकी चंचलता कम होती जाती है, इनमें विस्तार होता रहता है, तो पिता को ये चिंता होती है कि कैसे अपनी बेटियों का हाथ किसी योग्य वर को दे दें। तो जब ये नदियां समुद्र में मिलती हैं तो हिमालय को लगता है समुद्र की तरफ दामाद पाकर वो भी निहाल हो गया, जिसकी विशालता में जाकर ये नदियां समा जाती हैं, खो जाती हैं, ये इनका अपार सौंदर्य वहीं जाकर पूर्ण हो जाता है। तो ऐसा ही माना गया है कि जैसे हिमालय को अगर ससुर की संज्ञा दी जाए और समुद्र को दामाद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि पिता के स्थान पर हिमालय है और पति के स्थान पर समुद्र है। पिता की गोद से निकलकर नदियां, हिमालय की गोद से निकलकर नदियां समुद्र में जाकर समा जाती हैं, उनका अंतिम वहीं जाकर स्वरूप समा जाता है। तो यही कहा कि ऐसा ही लगता है जैसे वो दामाद हो। तो हिमालय के सौंदर्य का वर्णन लेखक ने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से किया है और कहा है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। अब इन कालिदास के मेघदूत पाठ में मेघदूत से कालिदास ने जो कहलवाया था, विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से जो कहा था, तो उसी का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी यानी प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य धन्य होगी, कि तुम्हारे में समा करके ये अत्यधिक खुशहाल हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, सोचा कि यदि शायद उस महाकवि को भी नदी का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी स्थानों पर नदियों को देखेगा तो उसके स्वरूप का आकलन करेगा, उसमें जो सौंदर्य, जो चंचलता, जो स्वच्छता दिखता है, उससे उसके मन में पहाड़ी नदियों के प्रति जो स्वरूप बनेगा, जो सचेतन रूप दिखाई पड़ता है, वो अत्यधिक लुभावना होता है। लेखक का ये मानना है कि दरअसल कोई भी नदियों के को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में यदि देखेगा तो दोनों के अंतर को, उसके स्वरूपों के अंतर को अलग अलग रूप में अगर देखेगा तो वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि दोनों में कितना अंतर है। पिता की गोद से निकलकर ये नदियां कैसे शांत हो जाती हैं, जैसे जैसे इनमें विस्तार आता है, जैसे जैसे इनमें फैलाव आता है, जैसे जैसे ये मैदानी क्षेत्रों में अपने स्वरूप को विस्तृत करती हैं, उनकी चंचलता में ठहराव आ जाता है। तो इसी नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि दोनों जगह की शक्लों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता शब्द का प्रयोग होता है जो सारे संसार की माँ हो। माँ का स्थान खुद में बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, यानी कि माँ के स्थान पर यदि हम किसी को रखते हैं तो उसके अंदर का प्रेम, उसके अंदर का त्याग, उसके अंदर का धैर्य, सब कुछ हमारे मन में घूमने लगता है, मन में दिखाई पड़ने लगता है। तो
लेखक ने नदियों को लोकमाता की संज्ञा दी है। लोकमाता की संज्ञा देने का तात्पर्य ये है कि ये नदियाँ लोक हित के लिए हैं, स्वतः के लिए नहीं है। इनके जल से लोगों की प्यास बुझती है, इनके जल से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, इनके जल से ये धरती शस्य श्यामला हो जाती है, यानी अनाज से भर जाती है। तो इन नदियों की जो उर्वरक शक्ति है उसको देखते हुए ही नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है। हम गंगा को देखते हैं तो गंगा माँ बोलते हैं, हम उन्हें ये जानते हैं कि हमारी माँ के रूप में है। माँ की गोद में आकर जो शांति मिलती है, उसी तरह इन नदियों के गोद और इनकी आंचल में छुप जाने के बाद वही प्रेम, वही धैर्य, वही शांति मिलती है, जिसके कारण लेखक ने इन्हें लोक माता की संज्ञा दी, जो सारे संसार का कल्याण करती हो। ये नदियां सारे संसार का कल्याण करती हैं। अगर ये नदियां इस धरती पर नहीं होंगी तो संसार का स्वरूप मिट जाएगा, इसलिए इनको प्रेम धैर्य की प्रतिमूर्ति भी कह सकते हैं। किंतु माता बनने के पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज। माता के पूर्व, माता का स्थान पाने के पूर्व हर स्त्री बेटी रूप में ही होती है। वो अपने पिता की एक प्रिय संतान के रूप में होती है और जब तक उसका विवाह नहीं होता है वो बेटी के ही रूप में होती है। जैसे जैसे उसका स्वरूप बढ़ता है, जैसे जैसे वो बड़ी होती है, वैसे विवाह के योग्य होती है, तो उसका विवाह करके पिता संतुष्ट होता है और योग्य दामाद पाकर उसे जब माँ की संज्ञा मिलने लगती है तब ये माना जाता है कि वो लोक कल्याण के लिए हो गई। तो पिता के गोद से निकलने वाली ये नदियाँ जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं और लोक कल्याण की भावना इसमें भर जाती है, अपने किनारे बसे हुए गांवों को सिंचित कर, धरती को शस्य श्यामला कर, जब ये निरंतर सबको सुख प्रदान करती है तो ये लोक माता के रूप में हो जाती है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज, यानी कोई नुकसान नहीं है। हम इनके बेटियों का स्वरूप भी समझ लें और इनकी लोकमाता की संज्ञा के पीछे के छिपे कारण को भी समझ लें। और थोड़ा आगे चलिए तो इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो लेखक ने इसे तीन रूपों में परिवर्तित कर दिया। पहला रूप माना कि बेटियां हैं, दूसरा रूप माना कि ये लोक कल्याण हेतु हैं, लोक माता हैं, और तीसरा रूप इन्हें प्रेयसी के रूप में, प्रेमिका के रूप में अगर देखा जाए तो इनका भी एक स्थान है। कैसा रहेगा, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वो स्थान है बहन का। कहने का मतलब स्त्री के जितने भी रूप होते हैं, चाहे वो पुत्री रूप में हो, चाहे वो प्रेमिका रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो अथवा माँ के रूप में हो, स्त्री के अनेक रूप हैं और अनेक रूप से उनका अनेक स्वरूप भी है, अनेक भावनाएं भी हैं। संसार के कल्याण के लिए अलग अलग रूपों में ये भावनाएं देखने को मिलती हैं। अगर वो बहन के रूप में होंगी तो भाई के साथ उसका जो प्रेम होगा वो अलग होगा, संसार के लोगों को प्रेम इस रूप में करेंगी, उनकी रक्षा करने हेतु। अगर वो पुत्री के रूप में है तो वो प्रेम बांटेंगी अपनी चंचलता से, अपनी स्वच्छता से, अपने सुंदर स्वरूप से। जब वो लोकमाता के रूप में होंगी तो अपने धीरज से, अपने धैर्य से, अपने कल्याण से लोगों का हित करेंगी। और जब वो पत्नी के रूप में होंगे तो समुद्र के को अपने दामाद के रूप में देखकर ये लगेगा कि उनका जीवन जो है वो धन्य हो गया। जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई थी, अब कवियों का जो नदियों को बहन के रूप में देखा जाना, कई स्थानों पर कवियों ने नदियों को बहन के रूप में देखा है, उसको याद करते हुए लेखक ने कहा है कि
बहुत बार कवि इन्हें बहन के रूप में देखते हैं। तो एक दिन इनकी भी ऐसी भावना हुई, थोलिंग एक जगह है तिब्बत में, तो उन्होंने कहा कि थोलिंग की बात है, मतलब याद कर रहे हैं कि कब की बात है। तो कहते हैं थोलिंग की बात है, मन उचट गया था, यानी कि लेखक का मन बिल्कुल घबराया सा था, उचट गया था, कहीं नहीं लग रहा था, किसी कार्य में उसका मन स्थिर नहीं था, तबीयत ढीली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत अनमना हो, तबीयत में बिल्कुल आराम न हो। तो उस थकावट के कारण उसका मन कहीं नहीं लगता और वो जाकर सतलज नदी के किनारे बैठ जाता है। सतलज नदी के किनारे बैठकर दोपहर का समय रहता है, पैरों को पानी में लटका देता है। थोड़ी देर बाद उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। अब आप पहाड़ी स्थानों से जब नदियां मैदान पर आती हैं, उत्तराखंड से जब नदियां मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं, हरिद्वार तक ही आते आते नदियों का विस्तार बहुत बढ़ जाता है और पानी में जो ठंडक होती है वो ठंडक जैसे लगता है कि अगर आपने उसमें पाँव में डाल दिया तो वो ठंडक पाँवों के माध्यम से हृदय तक पहुंच जाती है। वो शीतलता, वो विनम्रता, वो धैर्य, सब कुछ उसके जल के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंच जाएगा। ऐसा विशाल स्वरूप देखने को मिलता है इन नदियों का। तो लेखक भी सतलुज में पाँव डालकर जब कुछ देर अपने अनमने मन को शांत करने की कोशिश करने लगता है, बैठा रहता है, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसके पानी का जो असर है वो लेखक के ऊपर पड़ने लगता है। उसका मन जैसे लगता है सारी कलुषता, सारा अंधकार, सारी चिंता, सब कुछ जैसे धीरे धीरे उसके मन से निकलने लगता है और मन उस पानी की शीतलता के साथ जैसे ताजा हो जाता है। मन ताजा हो गया तो मैं लगा गुनगुनाने। तब उन्होंने सतलुज को बहन की संज्ञा देते हुए गीत गुनगुनाया है। तो कालिदास के वियोग में डूबे यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती नदी को प्रेम के बदले में कुछ देते जाना, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें पाकर खुश होगी। ये जो कालिदास ने अपने विरही यक्ष के माध्यम से कहलवाया था उसका वर्णन है कि ऐसा वर्णन उन्होंने अपने मेघदूत में किया है। तो यहाँ पर बहन की संज्ञा देते हुए अंत में लिखा है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। लेखक बहुत विकल रहता है, बेचैन रहता है। उसको दोपहर के समय में जब सतलज के नदी के किनारे वो पहुंचता है, बहुत अनमना रहता है, बहुत अंदर तक जैसे व्याकुलता थी उसके अंदर, और अपने पांवों को सतलुज में डुबो देता है। तो पानी का असर धीरे धीरे शरीर में चला जाता है, मन में चला जाता है। तब ऐसा लगता है कि उसके मुख से ये गीत निकला होगा कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, अपनी बहन की जय जयकार कर रहा है, जयकारा कर रहा है कि तुम्हारे अंदर का जो धैर्य था, जो शीतलता थी, मेरे पांव उनमें पड़ते ही वो शीतलता मुझे प्राप्त हो गई, मेरा मन जो है वो बिल्कुल शांत हो गया। तो तुम्हारा जल बहुत प्रगतिशील है, तुम्हारे जल में बहुत ज्यादा धैर्य है, शीतलता है। और लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी क्रियाकलाप बिल्कुल आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। तुम्हारे अंदर जो सौंदर्य है वो सौंदर्य सबको आश्चर्य में डाल देता है, ऐसा सौंदर्य अचरज में, अचरज यानी आश्चर्य, तद्भव रूप है अचरज। हुआ मुदित मन घटा खुमारी, मन के ऊपर से जो भारी बोझ था, जैसे ही जल की शीतलता पांवों से हृदय तक पहुंची तो लगा कि सारी जो शीतलता थी वो हृदय में पहुंच गई
और मन जो है मुदित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, सारा भारीपन हृदय का जो है वो समाप्त, हटा खुमारी जो अंदर से अनमनापन, जो भारीपन, जो थकान थी वो जैसे बिल्कुल हट गई हो। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तो लेखक कहता है कि मैं अपना सारा जीवन तुम पर न्यौछावर कर दूं कि तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना ने मेरे अंदर की सारी कष्ट को हर लिया है, सारे बोझ को हर लिया है और एक मन को मुदित कर दिया, प्रसन्नचित कर दिया है, तो सारा मन जैसे हल्का हो गया है। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, कहा कि तुम कौन हो, इस विशाल पिता की पुत्री हो, महान हिमालय की बेटी हो, तुम बेटी या बाप हिमालय, तो ये हिमालय जो है तुम्हारा बाप है यानी पिता है और तुम उसकी बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और तुम्हें जन्म देने के बाद पुत्री के जन्म के साथ ही साथ पिता को ये चिंता अवश्य हो जाती है कि एक ना एक दिन मुझे अपनी पुत्री को किसी दूसरे के हाथ में सौंपना है, तो वो पुत्री के साथ ही साथ एक चिंता उसके हृदय में घर कर जाती है कि कभी ना कभी तो वो दिन अवश्य आएगा कि मुझे अपनी पुत्री का हाथ किसी योग्य वर के हाथ में देना होगा। वही सोच करके वो लेखक कहता है चिंतित पर चुपचाप हिमालय, बिल्कुल चुपचाप खड़ा है मगर चिंतित है कि कब मैं अपनी पुत्री का हाथ कैसे किस व्यक्ति के हाथ में दूंगा। तो ये भावना हिमालय के हृदय में है जो एक पिता के हृदय में होती है अपनी पुत्री के लिए। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति नटी के, नटी यानी नट एक प्रजाति है जो खेल दिखाता है, तमाशे दिखाता है, तो कहा कि प्रकृति भी बिल्कुल नटी है जो प्रतिपल कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, जो प्रकृति में रात दिन परिवर्तन होते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता रहता है, उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए यहाँ पर लेखक ने इन पंक्तियों को कहा है कि प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति के नटी स्वरूप, परिवर्तित स्वरूप, जो प्रतिपल परिवर्तित होता है, नटखट स्वरूप जो हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने भीतर करता है, ऐसे स्वरूप के ऊपर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, इस प्रकृति पर जो हिमालय का स्वरूप है वो सभी को बिल्कुल अनुपम अनोखा लगता है, अद्भुत लगता है, उसकी विशालता, उसका सौंदर्य, उसके बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, उससे निकलने वाली नदियां सभी आश्चर्य में डाल देती हैं। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तो बहन मानकर लेखक ने जब अपने अंदर की चंचलता, अपने अंदर की गंभीरता, थकान, सब कुछ जैसे उस जल के स्पर्श मात्र से, प्रगतिशील जल के स्पर्श मात्र से जैसे वो कहीं खो जाता है, उसका वर्णन करते हुए लेखक ने यहाँ नदियों के अंदर लोक कल्याण की जो भावना है उसका वर्णन किया है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, हर तरह से ये अपने इसके स्वरूप का वर्णन करते हुए लेखक ने नदियों के अंदर की जो कल्याणकारी भावना है उसे जागृत करके दिखाया है कि कैसे लोगों के हित के लिए इसके जल का विभिन्न उपयोग करके खेतों के लिए, बिजली के लिए, धरती की उर्वरक शक्ति के लिए, हर चीज के लिए, जैसे ये बिल्कुल अपनी अपने अंदर की सारी ऊर्जा धरती में समाहित कर देती हैं, अपने अंदर की सारी ताकत जैसे धरती को दान कर देती हैं, जिससे उसके भीतर की शक्ति जो होती है दुगनी हो जाती है। तो ये कहा गया है कि नदियाँ कितनी सुंदर स्वरूप में यहाँ लेखक ने दिखाया है कि हिमालय को पिता बनाकर, बेटियां बनाकर, पिता और बेटी के रिश्ते में बांधकर नदी की के स्वरूप का वर्णन लेखक ने किया है कि पिता की गोद से निकलने वाली नदियां कैसे समुद्र तक जाकर मिल जाती हैं, कैसे उनके अंदर कल्याणकारी भावना होती है,
कैसे वो सर्व कल्याण के लिए होती हैं और जिसके कारण हम उन्हें लोक माता की संज्ञा भी देते हैं। तो इस तरह से ये पाठ जो है यहाँ पूर्ण हो जा रहा है। मैंने आपको पूरे पाठ की व्याख्या समझा दी। प्रश्नों की बात अगर करें तो पाठ के जो प्रश्न हैं वो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिए हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा भी आपने दे दी है, तो आपको ये प्रश्न आते होंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं? एक ये प्रश्न जो है वो काफी पूछा जा सकता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही हिमालय की अन्य छोटी बड़ी नदियां रावी, सतलुज, गंगा, यमुना आंखों के सामने आ जाती हैं, क्योंकि इनका स्वरूप बहुत छोटा है और सतलुज और ब्रह्मपुत्र का जो विशाल स्वरूप है जिसके कारण उन्हें नद की भी संज्ञा दी गई है उसको वर्णन किया गया। अपार पानी है, अपार, और माना गया कि हिमालय की दिल की एक एक बूंद से इनका जन्म हुआ है। तो इस तरीके से जो सारे प्रश्न हैं वो आपने इसको किए होंगे। और एक जो इसमें प्रश्न है मैजिक कॉलम की तरह विशेषता और विशेष्य को मिलाना है। एक तरफ दिया है संभ्रांत, चंचल, समतल, घना और मूसलाधार, दूसरी तरफ दिया वर्षा, जल, जंगल, महिला नदियां और आंगन, इनके स्वरूप को आपस में मिलाना है। तो चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा, ऐसे करके आप इसको आपस में मैच करा सकते हैं। उसके बाद द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में होता है कि जहां पर दो पदों के बीच में योजक और जो होता है छुपा होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, काला गोरा, दिन रात, अमीर गरीब, कुछ भी, ये सारे पद जो होते हैं वो द्वंद्व समास में के स्वरूप में होते हैं। तो ये भी आपको कराया जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझ लिया होगा और आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रही हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।